सिर पर मुस्लिम टोपी और कंधे पर कांवड़ देखकर लोगों को हैरानी हो रही है और उनके मन में सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन शिव की भक्ति में लीन बाबू खान ने कुछ लोगों से बात करते हुए बताया कि उनकी कांवड़ लाने में आस्था है और कई सालों से कांवड़ ला रहे हैं। वहीं सोमवार को दाहा गाँव में शिव शक्ति कांवड़ भंडारा पहुँचे बाबू खान का क्षेत्र वासियों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। बागपत के रचाण निवासी बाबू खान ने बताया कि हरिद्वार से भगवान श्री गणेश के नाम से कांवड़ लेकर आए हैं। कांवड़ को लेकर पहले पूरा महादेव मंदिर में जाएंगे, जल चढ़ाने के बाद अपने गांव के मंदिर में जल चढ़ाएंगे। वह अपने धर्म को मानते हैं, समय पर नमाज पढ़ते हैं और हिंदू धर्म को भी मानते हैं। मैं जी पहली कांवड़ सन 2018 में लाया था भोले की, और सन 2019 में भोलों के कांवड़ वालों के कहने से मैं पार्वती की लिया था जोड़ा बनाने के लिए। पल्ला पल्ली में मेरा सम्मान हुआ और वहाँ मुझे एक गणेश की मूर्ति मिली और एक छोटी गीता मिली 291 रुपये इनाम के लिए। जब मैं वहाँ से गुजरा मेरे जहन में ये बात आई, अरे बाबू खान भोले कांवड़ वाले तुझे कह रहे थे एक कांवड़ उठा लिए जोड़ा हो जाएगा, कभी लइए चाहे ना लइए। यहाँ जो पल्ला पल्ली में तेरा सम्मान हुआ, अरे गणेश की मूर्ति मिली, हो सके भगवान का हुक्म हो इसके नाम की व्यक्ति हो, तो बाबू खान ने मेरे दिल में ठान ली थी कि भगवान ने अगर जिंदगी रखा गबू तो इनका गणेश की ही कांवड़ उठाऊंगा। तो ये है मुस्लिम धर्म का इंसान, मेरा नाम है बाबू खान, मेरा ये कहता ईमान, इधर गीता है इधर कुरान, सब धर्मों को एक धर्म समझता हूँ और हिंदू मुस्लिम में एक भाईचारा, अल्लाह भगवान का हुक्म है, भोले पार्वती की कृपा है, गंगा मैया का जल उठाया है हरिद्वार से और पूरा महादेव के लिए जल स्वीकार करा है गणेश महाराज के नाम से, और यहाँ से ग्राम रंछाड़ में यानी कि बाबू खान अपने गांव में जाकर भूमिया का मंदिर और ब्राह्मण का मंदिर और शिव मंदिर जहाँ मैं 8 महीने से उनकी सफाई करता हूँ वहाँ जल स्वीकार करूँगा जाकर। बोल शंकर भगवान की जय और भारत माता की जय। बाबू सबसे पहले कांवड़ 2018 में भोले के नाम पर लेकर आए थे, दूसरी कांवड़ पार्वती के नाम पर और अब तीसरी कांवड़ है जो श्री गणेश के नाम पर लेकर आए हैं। हरिद्वार से तीसरी बार कांवड़ लेकर रछाड़ के बाबू खान ने पूरा महादेव जाकर जलाभिषेक किया। इसके बाद गांव में आकर होली वाला शिव मंदिर, भूमिया मंदिर सहित 3 शिवालयों में जाकर जलाभिषेक किया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।